ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बड़ौदा सिटी गुजरात से बात करता हूँ। तो जानिए आखिर क्या करती है ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया। मानव अधिकारों के हनन हो रहे हैं प्रमुख मामले, जैसे कि महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा और दहेज हत्या। श्रमिक शोषण व बाल श्रम, सांप्रदायिक मतभेद एवं सांप्रदायिक हिंसा, कैदियों का उत्पीड़न, गैरकानूनी कार्यों, पुलिस के कार्यों और कानूनी प्रक्रियाओं में विफलता, एफआईआर दर्ज नहीं करना, फर्जी मुठभेड़, ठेकेदारों में बेईमानी, बलात्कार, बिना सूचना नौकरी से निकाल देना, घुसणखोरी, मजदूरी कराकर मेहनत का पैसा न देना, भूखमरी, मौलिक अधिकारों का हनन करना, समाज में असहाय लोगों को कानूनी या अन्य मदद दिलवाना, पीड़ित व्यक्तियों को हर संभव मदद करना, ये ह्यूमन राइट काउंसिल वायोलेशन है जो लोगों के साथ होते जा रहा है। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया लोगों की मदद के लिए समझ करती है। साथ साथ महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर अंकुश लगाना, पीड़ित लोगों के हर संभव मदद करना, यातायात नियमों का पालन करना और नियमों के लोगों को समझाना, समाज में असहाय लोगों को कानूनी या अन्य मदद दिलवाना, पुलिस प्रशासन का पूर्ण निष्ठा भाव से सहयोग करना एवं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, किसी भी प्रकार के अपराध रोकने में या पुलिस को सहयोग करना एवं सूचना देना, गरीब एवं असहाय लोगों को हर संभव मदद करना। असहाय व्यक्तियों को सहाय करना और समाज में व्यक्तियों को रिश्वतखोरी रोकना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं समाज के जागरूक करना, खाद्य पदार्थ का मिलावटखोरों पर कानूनी कार्यवाही करवाना, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के
तमाम सदस्यों का लक्ष्य है और मंत्र है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।